नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है, पंचांग क्या कहता है, तिथि कौन सी है, चंद्रमा किस राशि पर है, दिशाशूल कब है, शुभ मुहूर्त कब है, राहु काल कब है, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि 12 राशियां आज क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको विदेश गमन जाने का योग बन रहा है, किसको आयात निर्यात से लाभ मिलेगा, किसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, कौन राजनीति के क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ेगा, किसको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, किसको मेडिकल के फील्ड में जाना है, कौन अकाउंट के फील्ड में जाएगा, कौन मैनेजमेंट का कार्य करेगा, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपको सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, कौन सा अंक आपके लिए चमत्कारिक भाग्योदय करा सकता है, कौन सा रंग आपको सफलता के लिए वाहक बन सकता है, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज गुरु का नुस्खा क्या है, अपने दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बताएंगे उनका वर्ष कैसा रहेगा। आप बने रहिए मेरे साथ। आज का महामंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दोबारा सुन लीजिए, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। यह भगवान श्री गणेश का महामंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने से अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है, बुध के वजह से आपका हेल्थ वेल्थ प्रभावित हो रहा है, आपके नसों में दिक्कत हो रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप अपने को चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, आर्थिक संकटों में हैं, संतान नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में कठोरता आ रही है, तो यह महामंत्र भगवान श्री गणेश की आराधना करने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। दूसरी बात के भी ध्यान रखना है कि अगर बुध की वजह से आपको परेशानी है, बुध की वजह से संतान नहीं हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति दिक्कत हो रही है, आप तमाम तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज है 21 सितंबर 2022, दिन है बुधवार और तिथि है एकादशी, जो 11:36 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र है जो 11:47 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष है, परिधि योग है, सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होने का समय है सायंकाल 6:19 पर। आज चंद्रमा रहेगा कर्क राशि में, कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की अपनी राशि है। आज का जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं, 10:56 से लेकर के 11:48 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 12:14 से लेकर अपराह्न काल 1:45 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कार्य शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि में करते हैं तो आपका भाग्योदय होता है, आपकी प्रगति होती है, कोई दिक्कतें नहीं आती। वही राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, आपको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वही यदि आप दिशाशूल में यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा काफी दुखद होती है, कष्टप्रद होती है, तो दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें। अब आइए हम बात करते हैं राशियों के बारे में कि ये 12 राशियां आज की क्या कहती हैं, आज किस राशि का भाग्योदय होगा, किसको विदेश से धन लाभ मिलेगा, कौन आयात निर्यात करने वाला है, किसको सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा, किसको शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, कौन मेडिकल के फील्ड में जाएगा, किसको आज माया नगरी से लाभ मिलने वाला है, कौन कहानी लिखेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, किसको आज पुरस्कार मिलेगा, आज किसको किस क्षेत्र में प्रगति होगी, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आज आपका समय उत्तम चल रहा है, आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से लाभ मिलते हुए दिख रहा था, चारों तरफ से लाभ होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आपकी यश पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यदि आज आप कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे आज आपका आत्मबल भी बढ़ेगा,
नए तरह के कार्य भी करेंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, सशक्त होगी, नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप इत्यादि खोल सकते हैं। नए नौकरी का योग बन रहा है, पदोन्नत के साथ साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। अगर कोई भी नए प्रकार की योजनाएं बनाते हैं तो अब क्रियान्वयन करने का समय आ गया, उसको क्रियान्वित हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रह सकते हैं, भाग्य आज आपके अनुकूल है तो भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज आपको उपाय क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक बात का और ध्यान रखना आज आपको कि यह पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो जो पितृपक्ष का कालखंड होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें आपको गाय को, कौवे को, चींटी को, कुत्ते को अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए, रोटी गुड़ खिलाना चाहिए, रोटी खिलाइए, खाना खिलाइए, दाना खिलाइए, जो भी कर सकते हैं श्रद्धा के साथ करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति लगता है, भूखा हुआ है, पीड़ित है, तो उसकी मदद करिए, उसको खाना खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की, तो जो वृष राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आपका मन उद्विग्न हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आय से ज्यादा व्यय हो रहा है, तो आपकी मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, तो अपने को थोड़ा सा आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित कर ले तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पराक्रम से धन लाभ होते हुए दिख रहा है, कुछ नए कार्य हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। जो भी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, उस कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी, इसलिए टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करें। आपकी आर्थिक इच्छाएं, आपकी आर्थिक इच्छा प्राप्त होगी, जो भी आर्थिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। रोजगार के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा, भूमि खरीदने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, लक्ष्य के प्रति फोकस होकर कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र का दान करें, और ये ध्यान रखें कि आज अपने हाथ से गाय को रोटी गुड़ खिलावें और किसी गरीब महिला को दूध जरूर पिलावें या दूध से बनी मिठाई दान करें। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, तो जो मिथुन राशि के जातक है, समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको चारों तरफ से लाभ मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, नए तरह के कार्य करने की संभावना बन रही है। परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। लेखन कार्य से धन मिलेगा, माली हालत आपकी सशक्त होगी, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए प्रकार के व्यापार कर सकते हैं, नौकरी में लाभ मिलते हुए दिख रहा है, अचानक दूर देश की यात्रा हो सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और अपना मन लगाइए। छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें, इंटीग्रिटी थोड़ी सी डाउटफुल हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, हरा वस्त्र दान करें, गाय को आज अपने हाथ से रोटी जरूर खिलाइए। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की, तो जो कर्क राशि के जातक है, आपको ध्यान रखना का भावना प्रधान व्यक्ति है, बहुत सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, आप चिंता छोड़ करके चिंतन करिए, अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखिए, जज्बा को नियंत्रण में रखिए, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, न जल्दबाजी में कोई निर्णय ले, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। चारों तरफ से लाभ का अवसर मिलेगा, लाभ होने का शुभ समय आ गया है। अपने भाई बहन पारिवारिक लोगों से आज आपको सुख मिलेगा, कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लोग कुछ ऐसे लोग होंगे जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। क्षमता से अधिक कार्य न करें, सेहत प्रभावित हो सकता है, नए प्रकार के व्यापार कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, एकाग्र होकर कार्य क्षेत्र में लग जाएं ताकि आपके लिए अच्छा रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उपाय क्या करना है, आज पीला वस्त्र दान करें, यह पितृपक्ष का समय है तो गरीबों को भोजन कराइए, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, तो जो सिंह राशि का जो जातक है, आज आपका समय अनुकूल है, आपका मनोबल हाई रहेगा, योजनाएं सफल होंगी, नए प्रकार के व्यापार करने की लाभ हो सकता है, नए प्रकार के व्यापार करने का योग बन रहा है, प्रगति का योग बन रहा है, चतुर्दिक प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ कार्य होने की भी शुभ समाचार मिल सकता है, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आंतरिक प्रसन्नता रहेगी, पिछली परेशानियों से राहत मिलेगी, किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़े न फंसे,
मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, छोटे छोटे बात पर इरिटेट होते हैं, गुस्सा आती है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, भगवान श्री गणेश की आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए और गरीबों की मदद करें, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें और मंदिर में अन्न दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 शुभ रंग हरा, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको तमाम प्रकार के नए कार्य करने का अवसर मिलेंगे, उसमें आज अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें, दुश्मन आज आपको हानि पहुंचाने की फिराक में है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप किस्मत के धनी व्यक्ति हैं, सितारे आपके पक्ष में हैं, सभी मसलों को सुलझाने का प्रयास करिए, आपके सब मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, आज आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे और माली हालत अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में कटौती आ सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना न भूलें, और आज आप क्या करें कि गाय को, कुत्ते को और चिड़ियों को अपने हाथ से रोटी खिलाइए, दाना खिलाइए, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6 शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की, तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके मन में जो आपकी शंका है, शंका का समाधान होगा, माली हालत अच्छी होगी, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए प्रकार के कार्य करने की योजनाएं जो है सफल होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं, कुछ बड़े पद मिल सकते हैं, भाग्य से सभी कार्य आपके पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचें, अपने रिश्तों को खोने से बचावें, आप कई बार बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं जिससे रिश्ते आपके समाप्त हो सकते हैं, तो रिश्तों को बचावें, विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है, सावधानी क्या बरतें, स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतें। उपाय क्या करना, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए हितकर रहेगा, आज कौवे को अपने हाथ से रोटी जरूर खिलाएं। शुभ अंक 7 शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको तमाम प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने पूर्व पहले के कार्यों को लेकर के समय आपका उत्तम हो जाएगा, अनुकूल होगा, नए व्यापार कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है, लेखन कार्य से धन मिलेगा, नई योजनाएं सफल होंगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा और कुछ नए तरह के कार्य कर सकते हैं, उद्योग के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेंगे, अचानक यात्रा हो सकती है जिससे आपका मन उद्विग्न हो सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, बेवजह परेशान रहते हैं, सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंदों को खाना खिलावें, और आज आप क्या करें कि चींटी को आटा और चीनी जरूर खिलावें। शुभ अंक 8 शुभ रंग है सुर्ख लाल, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपके आत्मबल में काफी वृद्धि होते हुए दिख रहा है, आपको आज अपनी क्षमता से अत्यधिक धन कमाएंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, आपका व्यापार में वृद्धि होगा, नए प्रकार का व्यापार भी कर सकते हैं, चतुर्दिक प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, सावधानी क्या बरतनी, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, केले का वृक्ष लगावें और आज पीली वस्तु का दान करें, चिड़ियों को दाना खिलावें। शुभ अंक 9 शुभ रंग हल्दी कलर, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की, तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके आत्मबल से बहुत सारे कार्य संपन्न होते हुए दिख रहा है, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपका मॉरल वैल्यू बहुत ही ऊंचा होगा, माली हालत सुदृढ़ होगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, परिवार में शुभ समाचार शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है, न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको आपके पक्ष में सफलता मिलते हुए दिख रही है, इंडस्ट्री टैग वगैरह लगा सकते हैं, वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, माता पिता का सहयोग मिलेगा, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, सावधानी क्या बरतनी, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, काली वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कौवे को आज रोटी खिलावें। शुभ अंक 8 शुभ रंग हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण।
अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही हैं। उत्तरोत्तर विकास होगा, इंडस्ट्री इत्यादि लगा सकते हैं, नए प्रकार के कार्य संपन्न होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, तीर्थाटन देशाटन हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु आपका माता पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, छोटे छोटे बात को लेकर तनाव हो सकता है, भाइयों से भी आज तनाव हो सकते हैं, तो अपने को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। दूर देश की यात्रा हो सकते हैं, नए प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। भाग्य पर निर्भर न रहें, दूसरों की बातों में ना आवें, कुछ मेहनत करने की जरूरत है, कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत है। कठिन परिश्रम से आपका भाग्य बदल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है, काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलावें, चींटियों को आज चीनी और गुड़ खिलावें, चीनी है आटा है गुड़ है जरूर खिलावें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है ग्रे, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपका समय आपके अनुकूल नहीं है, आपको तमाम तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समय उतार चढ़ाव लिए हुए है, अपने खर्च पर नियंत्रण करें, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, तो सावधानी बरतें। रोग और शत्रु को हल्के में न लें। शासन सत्ता से लाभ मिल सकता है, नए व्यापार करने की योजना बनाएंगे जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, बच्चों के प्रति कंसर्न रखना आपके लिए हित का रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मसले पर प्रभाव डाल सकते हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको कल पर टालने की जरूरत है, उसको तत्काल प्रभाव से जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां डिस्प्यूट है उसको तुरंत हल करें, बैठ कर हल करें और उसमें मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतें, दूसरों की बातों में ना आवें। उपाय क्या करना, हल्दी का टुकड़ा अपने पास रखें अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि यह गाय को आज रोटी और भोजन जो भी घर का बना हुआ उसको जरूर खिलावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो आज दिन बुधवार है, बुध को कहते हैं कि ग्रहों में राजकुमार की भूमिका में होते हैं, इनमें राजकुमार कहते हैं, और बुध और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के लिए समर्पित होता है। जिन लोगों पर गणेश जी की कृपा होती है उनके सुख सौभाग्य धन ऐश्वर्य संपत्ति आदि में लगातार वृद्धि होती रहती है। जिनकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत होते हैं उनका व्यवसाय में तरक्की मिलती है, उनका विवेक एवं बुद्धि धैर्य और उनका जो तार्किक शक्ति होती है बहुत अच्छा होता है। आइए हम आपको उपाय बताते हैं छोटे छोटे। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, अड़चने आ रही है, तो बुधवार के दिन क्या करें, किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणपति बप्पा को लाल पुष्प दुर्वा और मोदक अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका व्यवसाय करियर को लेकर के आप तनाव में हैं, तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, आपको तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है, तो आप क्या करें कि बुधवार का व्रत रखें और बुध ग्रह के बीज मंत्र का जप करें। आज के दिन क्या करें कि जब आप किसी से कोई भी उधार न लें, न उधार दें, अगर आप ऋण लेंगे ऋण देंगे तो कर्जा नहीं चुकेगा, इसका ध्यान रखना है। चौथा उपाय क्या है कि आर्थिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यदि आपको आर्थिक संकट है, शारीरिक पीड़ा है, नसों में दर्द है, तो आप क्या करें, बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज पांचवा उपाय है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी या फिर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। इस मंत्रों के जप करने से आपका काफी लाभ मिलेगा और ध्यान रखेंगे कि जो भी मंत्र उसका सही उच्चारण करें और मंत्रों को ध्यान से पढ़ें। छठा उपाय है गणेश जी को सिंदूर पसंद है, बुधवार के दिन गणेश जी को पूजा के समय सिंदूर का तिलक लगावें और स्वयं भी माथे पर तिलक लगावें, आपके सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए आपको सातवां अंतिम उपाय बताते हैं। यदि आप किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो बुधवार के दिन क्या करें कि पूजा के समय गणेश जी को समी के पत्ते अर्पित करें, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये आज मैंने 7 उपाय बताए, अगर इस 7 उपाय को आप करते हैं तो बुध से जने जो भी परेशानियां होगी दूर होगी, उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, भाग्योदय होगा। अब बारी है प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारे साथ चमोली से जुड़ चुके हैं ममता जी। ममता बताइए। राम राम। राम सर, हम ममता के बारे में जानना चाहते हैं सर जी। बालिका। अच्छा, आपकी बालिका क्या है, उसका जन्मतिथि क्या है आपकी बालिका की? 26 जुलाई 2007।
26 जुलाई 2005 समय सात सात। अच्छा और स्थान? स्थान चमोली उत्तराखंड। जी तो इसके बारे में क्या जानना चाह रही हैं आप? हम जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, नौकरी में कैसी होगी। देखिए अभी ये जो ममता का जो समय चल रहा है 6 मार्च 2021 से इनका शुरू हुआ है केतु की महादशा जो 6 मार्च 2028 तक जाएगा। वर्तमान में इनका 3 अक्टूबर 22 तक केतु में शुक्र की महादशा है जो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद केतु में सूर्य पूरा ये केतु की दशा इनका अच्छा जाएगा। केतु इनका बैठा हुआ है, इनका केतु बैठा हुआ भाग्य स्थान में और ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं, मेहनती होते हैं। लग्न में इनका बुध है, मिथुन लग्न की कुंडली है तो ऐसे बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं और देखने में गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छी होगी, करियर बहुत बढ़िया होगा, एनालिटिकल ब्रेन की होगी तो ये अच्छा करेगी। और केतु के बाद शुक्र आ जाएगा 20 साल तो ये पूरी लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, स्मूथ जीवन जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, इनको कहिए कि अपना एक तो सिंसियर रहें और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें और भगवान सूर्य की नियमित आराधना करें, इनके लिए अच्छा रहे। अब आइए हम बात करते हैं आज के जन्मदिन की। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा बढ़े, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आप आगे बढ़े, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो 21 तारीख होता है, 21 तारीख के जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक होता है 3। तो 3 तारीख 12 21 और 30 को जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक 3 होता है। जो 3 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका जो बाह्य व्यक्तित्व होता है वो आंतरिक व्यक्तित्व होता है, वह दिखावे में विश्वास नहीं करते, वह जो होता करके दिखाते हैं और वो बहुत ही सज्जन होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, इमोशनल होते हैं और बड़े अच्छे मित्र होते हैं। उनके साथ दुर्भाग्य है कि उनके पास अच्छे मित्रों की संख्या में कमी होती है। तो एक अच्छे मित्र होते हैं लेकिन उनके पास अच्छे मित्रों की संख्या में कमी होती है। कारण है कि ये बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों से ये बहुत ज्यादा उनकी भावनाओं पर, उनकी बातों को कंसर्न रखते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए मदद करते हैं, लेकिन उनकी कोई भावना को नहीं समझते, इस बात को लेकर उनको कष्ट रहता है। 3 नंबर के जो जातक होते हैं विशेष तौर से साहित्य, शिक्षा, राजनीति, प्रशासनिक सेवा में बहुत आगे जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में बड़े पद पर रहते हैं। उनका चाहे किसी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक फील्ड हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या इनकम का क्षेत्र हो, चाहे अकाउंटेंसी का क्षेत्र हो, किसी फील्ड में ये महारत हासिल करते हुए टॉप पर रहते हैं। ये गुरु की भूमिका में होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं और किसी की बातों में नहीं आते, इनको समझ बहुत अच्छी होती है, इनका इंट्यूशन बहुत होता है, इस नंबर पर आध्यात्मिक कृपा होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 8 महीने आपके लिए लगातार गोल्डन है। इस वर्ष आप घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, नए प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जो भी अभी तक पेंडिंग कार्य है वो सारे कार्य इस 8 महीने में संपन्न होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव करेगा, चैलेंजेज आ सकती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और बहुत ज्यादा बहकाव में आके कोई कार्य नहीं करना, उतावलेपन में आके कार्य नहीं करना है, अपने को बहुत बैलेंस और जितना पेशेंस के साथ कार्य करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखें, चाटुकार टाइप के लोगों से दूर रहें और ये ध्यान रखें कि आपके साथ कोई गलत टाइप के लोग तो नहीं है, तो उनसे दूरी बना के रखना आपके लिए अच्छा होगा, लोग आपको प्लाट करके यूज कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, आप भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करें आपके लिए अच्छा रहेगा। या भगवान श्री गणेश की आराधना करें, उनको पंचमेवा का खीर अर्पित करें, पूरे वर्ष पर्यंत आपका पूरा वर्ष उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। आप पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।